आज बॉलीवुड की उस हसीन एक्ट्रेस का जन्मदिन है जो भारतीय सिनेमा में ज्यादा वक्त तक नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो अपना किरदार इतना बखूबी निभाती थी कि आज तक वो चर्चाओं का विषय बनी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं स्मिता पाटिल की और आज उनका जन्मदिन है। ये उन एक्ट्रेस में से थी जो पर्दे पर बिना किसी भी परेशानी के कुदरती रूप से अहम रोल निभाती थी। आपको बता दें कि स्मिता सिर्फ 33 साल की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी, लेकिन उनके अभिनय की वजह से आज भी उनकी फिल्मों को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर हम उनकी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं। स्मिता पाटिल ने भले ही कुछ समय के लिए बॉलीवुड में काम किया हो, लेकिन उन्होंने उस समय के एक बड़े एक्टर के साथ काम किया था जिनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन और स्मिता पाटिल फिल्म नमक हलाल की शूटिंग कर रहे थे तो उस फिल्म में एक गाना था, आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो, जो उस समय काफी ज्यादा मशहूर हुआ था। वो गाना एक रेन सॉन्ग था जिसे अमिताभ के साथ फिल्माया जाना था और स्मिता की पहली कमर्शियल फिल्म थी, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि दर्शक उन्हें इस अवतार में देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या सोचेंगे। जब वो गाना शूट हो गया तो उसके बाद स्मिता रात भर रोई। अगले दिन जब अमिताभ बच्चन ने उनकी हालत देखी तो वो जान गए थे कि स्मिता रात भर रोई हैं, और उन्होंने स्मिता को समझाया कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी। अमिताभ के समझाने के बाद स्मिता कुछ ठीक हुई थी और फिर उन्होंने अमिताभ के साथ फिल्म शक्ति में भी साथ काम किया था। हम आपको बता दें कि स्मिता 13 दिसंबर 1986 को बेटे को जन्म देने के 2 हफ्ते बाद ही गुजर गई थी। इसी तरह बॉलीवुड की अनसुनी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब एंड यस डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट। धन्यवाद।